ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। महानगर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और डेल्टा के ज्यादातर मरीज सौम्य लक्षण वाले मिल रहे हैं, इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट होने वालों की संख्या काफ़ी कम है। मुंबई में 6,33,000 लोग होम क्वारंटाइन हैं, जिन पर बीएमसी का वार्ड वॉर रूम नज़र रखता है और डॉक्टर समय समय पर सलाह दे रहे हैं, लेकिन कई लोग होम क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसकी शिकायत मिलने के बाद बीएमसी अब होम क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों के खिलाफ सख्त हो गई है, क्योंकि इससे कोरोना का संक्रमण और तेजी से फैलने का खतरा रहता है। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने कहा कि होम क्वारंटाइन का नियम तोड़ने वालों की शिकायत मिलने पर मरीज व उसके संपर्क में आने वाले लोगों को तुरंत बीएमसी के क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया जाएगा। साथ ही ऐसे लोगों के हाथ पर बीएमसी स्टैम्प मारेगी। ऐसे लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखने के लिए बीएमसी के पास पर्याप्त बेड खाली हैं। बता दें कि मुंबई में 31 दिसंबर से कोरोना की तीसरी लहर शुरू है। कोरोना मरीजों की संख्या एक दिन में 20,000 को पार कर चुकी है, जिससे मुंबई में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,228 तक पहुंच गई है। इसमें 84% मरीज सौम्य लक्षण वाले हैं, जो घरों में रहकर इलाज करवा रहे हैं और पांचवें दिन टेस्ट कराने पर ज़्यादातर लोग निगेटिव आ जा रहे हैं। काकानी ने बताया कि नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार प्रत्येक वार्ड में फील्ड ऑफिसर को दिया गया है। साथ ही क्वारंटाइन नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इस पर नज़र रखने की जिम्मेदारी सोसाइटी के पदाधिकारियों को सौंपी गई है। इससे पहले कोरोना की दोनों लहर में यह नियम मुंबई में लागू थे। दूसरी लहर के दौरान होम क्वारंटाइन नियम का उल्लंघन करने पर हेल्थ ऑफिसर ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।